शिक्षा वह है जो जीवन की मुश्किलों को आसान करने के योग्य बनाती है, जो बुद्धि को प्रखर और चरित्र को संस्कारवान बनाती है, जो स्वाभिमान और स्वावलंबन की प्रदाता है। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्ति के योग्य बनाती है, केवल वही विद्या है। शारदा विहार शैक्षिक संस्थान शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों की सार्थकता के पथ पर सतत अग्रसर है। आप सभी को सादर प्रणाम। शारदा विहार शैक्षणिक संस्थान की स्थापना सन 1989 में हुई। स्थापना वर्ष से वर्तमान तक यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में एक बट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में 25 एकड़ के विशाल परिसर में 4 संस्थान यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत हैं। सर्वप्रथम CBSE सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें पूर्ण छात्रावासी विद्यालय के रूप में यह सेवारत है। 650 विद्यार्थी यहाँ रह करके विद्या अध्ययन करते हैं। यह एक पूर्ण आवासीय विद्यालय है। इसी परिसर में मध्य प्रदेश बोर्ड से संबद्ध एक दूसरा विद्यालय भी संचालित है, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। साथ ही इसी परिसर में ITI भी संचालित है, गौ अनुसंधान केंद्र एवं गौशाला, जिसमें पूर्णतः भारतीय नस्ल की गिर गाय यहाँ गौशाला में हैं और इनके अनेक प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं। साथ ही BEd कॉलेज भी यहाँ पर संचालित है और BEd कॉलेज में शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार दिया जाता है। CBSE सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, 650 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं और 4 विशाल हॉस्टल में यह रहकर यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। हॉस्टल के अतिरिक्त 400 मीटर का ट्रैक, जिसमें सभी प्रकार के खेलों की सुविधा और 22 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण यहाँ पर संस्थान में विद्यार्थियों को दिया जाता है। प्रतिवर्ष 100 से अधिक विद्यार्थी SGFI में लगातार प्राइज लेते हैं और विभिन्न खेलों में शारदा विहार का नाम रोशन करते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से अगर बात करें तो IIT, JEE, NEET और CA के लिए, साथ ही सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था स्कूली पाठ्यक्रम के साथ में लगातार रहती है। और रोबोटिक्स, आज की जो आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, दोनों क्षेत्र में यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से तकनीकी टीम के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हर विद्यार्थी के लिए टैब उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी स्टडी को आगे जारी रखता है। साथ ही प्रत्येक क्लासरूम में स्मार्ट क्लास की सुविधा है। स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को लर्निंग कराने में काफ़ी सुविधा रहती है। CBSE पैरामीटर्स के हिसाब से आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस की सुविधा है। वह सभी प्रकार का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वर्तमान में स्किल एजुकेशन के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी लगातार IT टीम प्रशिक्षित करती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में 400 मीटर ट्रैक के अलावा हमारा स्वयं का स्विमिंग पूल है, जहां पर बच्चे स्विमिंग करते हैं। साथ में शारदा विहार के परिसर में एक बहुत ही अच्छा साइंस पार्क और एडवेंचर पार्क भी विकसित है। साइंस पार्क में फिजिक्स के बहुत से सैद्धांतिक प्रयोग हैं, उनको प्रैक्टिकली बच्चे जा कर के उस पार्क में करते हैं। एडवेंचरस पार्क में बच्चे के लिए अनेक प्रकार के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की सुविधा है, जहां पर बच्चे अपने फिजिकली और मेंटल हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करते हैं।
साथ ही NCC की भी मान्यता CBSE विद्यालय में है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे शारदा विहार शैक्षिक संस्थान का जो स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे बच्चों की केयरिंग करने के लिए वार्डन्स हों, काफ़ी सीनियर स्टाफ है और बच्चों के साइकोलॉजी को समझते हुए और जो आज की शिक्षा जगत की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को बहुत ही क्वालिटी रूप में बच्चों का एजुकेशन और उनकी केयरिंग होती है। साथ ही बच्चों की ग्रोइंग एज के अनुसार बैलेंस डाइट, जिसमें हमारे देशी गाय का दूध भी सम्मिलित है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो और विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो।